मेरठ क्रांति का उद्गम स्थल है, इसे सब जानते हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक महत्व की महिमा किसी से छुपी नहीं है। नवरात्रि का समय है और ऐसे में यहाँ के धार्मिक स्थलों की बात ना हो तो मामला अधूरा रहता है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। मेरठ में शक्तिपीठ कालीबाड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल बेहद चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ आने वालों को यह भरोसा रहता है कि माँ काली उनकी हर मुराद को पूरा करके ही दम लेंगी। मैं यहाँ पे हो गए, मुझे 30 साल हो गए हैं, बट ये मंदिर जो है 550 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे हमारी ये 16वीं पीढ़ी है मेरी, जो मैं 16वीं पीढ़ी हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। कौन योग्यता पे खुश हो खेलू भवानी तू। मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना माना जा रहा है। सदर बाजार मेरठ में स्थित यह मंदिर पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कई हिस्सों में बेहद प्रसिद्ध है। कौन भाव पर तू दौरल आई जालू हे मैया। बताते हैं कि पहले यहाँ शमशान हुआ करता था, तब यहाँ माँ काली की छोटी सी मूर्ति थी। लोग जब भी यहाँ से गुजरते थे पूजा अर्चना करते थे। कुछ दिनों के बाद जब एक बंगाली परिवार शहर में आया तो उन्होंने शमशान में माँ काली की इस मूर्ति को देखा और इसे विलक्षण माना। उन्होंने यहाँ विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। फिर यहाँ जो लोग आते थे उनकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होती चली गई और भीड़ आए दिन बढ़ने लगी। माँ की पूजा अर्चना करने से आसुरी शक्तियां तोड़ने टोटके और कई प्रकार की बाधाएं दूर होने लगी। झुमड़ लागी रे लागी काली लेकिन भोग झुमड़। लोगों की श्रद्धा अटूट बढ़ने लगी। करीब 150 साल पहले यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई है। अब यह मंदिर सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है और अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पिछले 50 वर्षों में माँ काली के दर्शन करने के लिए लोगों का देश के कई हिस्सों से आना शुरू हो गया है। मान्यता है कि जो भी यहाँ रात को होने वाली महाआरती में शामिल होता है माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। इसलिए महाआरती में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। आइए अब जानते हैं कि इसकी मान्यता क्या है। प्रत्येक शनिवार को माँ काली को श्रद्धालु चुनरी श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, कोई विशेष कामना हो तो यहाँ धागा भी बांधते हैं। पूजा अर्चना के बाद रात को करीब 10 बजे ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली महाआरती में शामिल होना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि उस पर माँ काली की कृपा होती है जो यहाँ पर महाआरती में सम्मिलित होता है। कोरोना वायरस के एक बार फिर देश और दुनिया में अपने पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस के साए में आज देश नवरात्रि मना रहा है। आपको बता दें कि हम इस समय मेरठ के सदर में स्थित काली माई के मंदिर में हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ तो नज़र आ रही है लेकिन एक कोरोना वायरस का भी एक कहर दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है सभी जो श्रद्धालु हैं मास्क लगा जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर मंदिर प्रशासन लगातार पालन करवा रहा है। क्या आपने सुविधाएं यहाँ पर? सुविधाएं हमने यहाँ सब में गोल गोल मार्जिन बना रखी है, दूरी बनाए रखी है, स्टेशन बना रखा है और सबके सभी के भक्तों के चेहरे पे मास्क है जी। और सभी भक्तों से कह रहे हैं दूरी बनाए रखिए और जल्द से जल्द चलिए, धूप बत्ती दिया ज्यादा ना करिए, हाथ जोड़िए, फूल प्रसाद चढ़ा के
और अपने स्थान से प्रवेश कीजिए। यानी ज्यादा देर आप भक्तों को यहाँ पर मंदिर परिसर में नहीं रुकने दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वायरस कोरोना के लिए इसलिए सबको दूर बनाए रखना है और सब अपना अपना पूजा करिए, बाहर निकलिए मंदिर से, पावन से बाहर निकलिए। अच्छा, श्रद्धालुओं में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही? नहीं, कोई कमी नहीं आ रही है, आ रहे हैं, उतने नहीं आ रहे, आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, 5-5, 6-6, 10-10 जने इकट्ठे आ रहे हैं, हम सबको एंट्री बाहर कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं। आज माता रानी का पहला नवरात्र, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष पे हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई। छठे नवरात्रि में मां काली की मूर्ति का रूप अन्य दिनों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ऐसी यहां की मान्यता है। उसके बाद मां काली सामान्य होती चली जाती हैं, और वैसे भी सामान्य दिनों में जो मां के सच्चे मन से मां के दर्शन करता है उनकी मन्नतें पूरी जरूर होती हैं। साथ ही किसी युवक युवती महिला पुरुष पर टोने टोटके या बुरी आत्मा का छाया हो, भूत प्रेत का छाया हो, तो मां काली के मंदिर में प्रवेश करते ही दूर हो जाता है। झुमण लागी रह लागी काली लेकिन भोग, झुमण लागी रह लागी काली राजधानी दिल्ली से तकरीबन 67 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर बेहद चमत्कारिक और प्रतिभाशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में पहुंचते ही माँ सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती हैं। सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाने वाला सदर कालीबाड़ी मंदिर का इतिहास कितना पुराना है ये तो आप सुन ही चुके हैं। वैशाली रोडवेज बस अड्डे से उतरने के बाद आप ऑटो रिक्शा से या अपने खुद की सवारी से या पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक बार अवश्य आएं और माँ के दर्शन करें। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ